सलामकुम, ये हमारे पास आया है सेंट्रो जिंक। इस पर कंप्लेंट था इंजन ऑयल कम होने का। बोल रहा इंजन ऑयल घट जाता है, कम हो जाता है, लीकेज किधर से है मालूम नहीं चलता। हाँ लेके जाता तो आज मैं गाड़ी को लिफ्ट करके देखा, इसका मेन ऑयल सील लीकेज था। आपको मैं थोड़ा जूम कर देख सकते हैं, पूरा लीकेज है, पूरा फ्लाईव्हील में ऑयल भरा हुआ है। देख सकते हैं पूरा ऑयल भरा हुआ है। इधर गियर बॉक्स में थोड़ा आपको दिखा देते, देख सकते हैं ये पूरा ऑयल लीकेज कर रहा है। तो अब इसका हम फाइनली करेंगे गियर बॉक्स ओपन, क्योंकि इसका जो लीकेज है मेन ऑयल सील लीकेज निकालने के लिए हमको गियर बॉक्स निकालना पड़ेगा, फ्लाईव्हील में निकालना पड़ेगा। आप वीडियो पर बने रहिए, मैं गियर बॉक्स निकालता और फिर आपको इसका मेन ऑयल सील डाल के प्रैक्टिकल दिखाएंगे। वीडियो को देखते रहिए। इसका बाहरी चीज़ पूरा निकाल लिया, एक साल आप देख सकते हैं, एक साल ये गियर लीवर निकालना पड़ता है 14 नंबर का बोल्ट खोल के। और ये वायर यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये यहाँ पे 14 नंबर का दो बोल्ट रहता है, यहाँ पे एक बोल्ट रहता है, ये 17 नंबर का ब्रैकेट का बोल्ट खोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तीन बोल्ट खोल लीजिएगा, ये माउंटिंग का 14 नंबर और आपका ये निकाल आएगा। इसको खोलने की क्या भी ज़रूरत नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वॉशर खोल देता है ये गियर। हाँ अरे आराम से करो, कुछ भी कर रहे फाइनली हम गियर बॉक्स निकाल लिए, फ्लाईव्हील भी निकाल लिया। आप देख सकते हैं कोई इसका ऑयल सील चेंज किया है, पूरा एनाबॉन्ड डाल के भरा हुआ देख सकते हैं, पूरा वाइट एनाबॉन्ड पूरा चारों तरफ डाल दिया भाई। इस पे एनाबॉन्ड नहीं डालने का, ओनली ग्रीस देके फिट करने का। आप चाहे तो इस कोर पे थोड़ा बहुत दे सकते हैं कोर पे, लेकिन ये पूरा देख सकते हैं पूरा पूरा भर दिया। इस तरह एनाबॉन्ड आप नहीं दे सकते, इस पे एना वो क्या बोलता है ऑयल सील हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये कोर में आप दे दीजिएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये घूमता है, ये रोटेट कर रहता है, ये मेन पुल्ली घूमता है, क्योंकि इस पे फ्लाईव्हील टाइट होता है और ये रोटेट करता है। अगर आप इस पे एनाबॉन्ड पूरा भर के कोर में जिस तरह दिया हुआ है ऐसे अगर उंगली से दबा दबा के एनाबॉन्ड अगर दे देते तो कुछ एनाबॉन्ड इसके अंदर चला जाएगा, तो उस पे सील क्या होता है कट जाता है। इसलिए इस प्रकार एनाबॉन्ड ना दे, आपको देना है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे कोर में आप दे सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसका हम सील को निकालेंगे और न्यू सील डालेंगे। सेंट्रो का आपको एक बात बता दें, सेंट्रो का गियर बॉक्स नीचे नहीं आता है, फ्लाईव्हील खोलने के बाद नीचे आ जाएगा, लाने से जब तक फ्लाईव्हील नहीं खोलिएगा नीचे नहीं आएगा। या तो आपको फ्लाईव्हील खोलना पड़ेगा या चर्सी खोलना पड़ेगा, दोनों में से एक। हम लोग ऐसे सिस्टम बना के ऐसे रख देते हैं। आपको हुंडई सेंट्रो का गियर बॉक्स रिपेयरिंग का भी वीडियो डाल चुके हैं ऑलरेडी पहले, फारूक भाई आरफ चैनल में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं किस तरह हम लोग गियर बॉक्स निकालते हैं, बैठाते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, फुल वीडियो दिया हुआ है। अब इसका ऑयल सील निकालते हैं, तब तक वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। सील वाला गाड़ी का सील वाला सीधा तो ये एक बार खत्म हो जाए दोबारा का सील बनाइए। एक दिन बाहर का भगा नहीं कैसे बंदा नहीं हां ना पूरा रात भर रहा है, रात भर दिन तक चला अंदर काम करना पूरा पूरा कैंट उधर भाई चेहरे। हां ठीक है बड़ी मार का भैया, तू एक मिनट रुको भैया, घंटा होने के लिए आपका पता 30 सेकंड 40 सेकंड बहुत है, अपना वेट देखते नहीं है, 1.5 घंटा का वेट आएगा। मैं इसे काट के इसमें बनाता हूं।
मजाक करते काय चढस्ते नहीं होता है कुछ नहीं होता फाइनली गियर बॉक्स मेरा पूरा फिट हो गया है, आप देख सकते होंगे वीडियो में। भाई नाइट का 12 बज रहा है इसलिए वीडियो क्लीनिंग नहीं आ रहा है, लाइट जलाते बल्ब का फिर थोड़ा ये आ रहा है, छाटा आ रहा है। देख सकते हैं पूरा फिट कर लिया, ऑयल सील डाल दिए, अब एक्सल डालेंगे और गाड़ी को फिर स्टार्ट करके ट्राई करके चेक करेंगे जो ऑयल लीकेज है बंद हुआ कि नहीं हुआ 100%। जैसे हम ऑयल सील आपका वीडियो में दिखाए जूम करके, इस प्रकार से अगर आप ऑयल सील बैठाते हैं तो 100% जो है आपका ऑयल सील लीकेज नहीं करेगा और मैक्सिमम 200,000 किलोमीटर चलेगा। 200,000 किलोमीटर के अंदर ऑयल सील का आपका कुछ भी नहीं होगा अगर आप ओरिजिनल ऑयल सील डालते हैं, जिस प्रकार हम दिखाए उस प्रकार डालते हैं। तो वीडियो से अगर कुछ सीख पाए, आपको अगर लगता है जब वीडियो से हम कुछ सीखे कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे और उस वीडियो से आप फ़ायदा उठा सके, उस वीडियो का आप क्या बोलते हैं जो पॉइंट है उस वीडियो का, उस पॉइंट को आप सीख सकें और सीखने के बाद उस पर आप काम कर सकें। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उससे प्लस वीडियो है। आप गाड़ी के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, चाहे वो स्क्रीनिंग द्वारा हो, मैकेनिक द्वारा हो या इलेक्ट्रिकल हो, पूरा पूरा आपको वीडियो मिलेगा फारूक भाई आरएफ चैनल में। आपके पास अगर चैनल आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रख लें ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। और आपको भी कोई भी अगर परेशानी है, कोई भी गाड़ी में फंसते हैं तो बेशक मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपका 100% आपका कमेंट का हम जवाब देंगे और आपको हम बताएंगे भी जो उसका सलाह क्या है। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है एक दूसरे का मदद करना, और क्योंकि हम सबको काम नहीं सिखा सकते, हम सबको एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए मैं ऑनलाइन पे आया ताकि मैं सबको बता सकूँ, सबको सिखा सकूँ। और मैं फिर से बता देता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक दूसरे का मदद करना। आप एक अगर वीडियो आप तक पहुँचा है तो आप भी वीडियो को शेयर करके मेरा सपना को पूरा करें। ठीक है दोस्त, अस्सलाम वालेकुम।